हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं वही वाला ब्लॉग कल वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने ब्लॉग इतना ज़्यादा नहीं बनाया तो इसकी वजह से। और आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया क्योंकि मैं अपना ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आई नीड टू बी पंचुअल। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। और आप कह रहे होंगे बैंगन तो नज़र नहीं आ रहे। बैंगन इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हम इनको सही घुला घुला बनाते हैं ताकि बैंगन नज़र ना आए, सिर्फ आलू नज़र आए। और आज मेरे साथ क्या हुआ इतना डालने की कोशिश की, इतनी दर्द हुई, इतनी दर्द हुई, खून निकला, सारा कुछ हुआ, नहीं गया अंदर। फिर मैं सो गया, मैंने कहा दफ़ा करो मैंने नहीं डालना। फिर मैं उठी हूँ आई थिंक 11 बजे, फिर मैंने वापस कोशिश की डालने की। और फिर वो शुक्र है शुक्र है शुक्र है इतनी मेहनत के बाद वो वाला कोका नहीं गया। फिर मैं जो कानों वाले जो मेरे कोके हैं ना उनमें से मैंने एक लिया, ये मोती वाला कोका है, ये वाला मोती वाला कोका है। अभी मैंने ऑयल लगाया हुआ साथ साथ तो इसकी वजह से आपको चिकना चिकना नज़र आ रहा होगा। हाँ ये फिर मैंने बहुत मुश्किल से डाले, गोल्ड का भी डाल रही थी वो भी नहीं डाल रहा था, वो छोटा था क्योंकि वो अभी मेरा ये नाक जो सूजा हुआ ना थोड़ा तो वो छोटा लग रहा था, वो सुराख से निकल ही नहीं रहा था बाहर। फिर मैंने दूसरा डाल ली तो दूसरा डाल नहीं रहा, वो पता नहीं क्यों नहीं डाल रहा था। ये डाला ये भी ना डाले, इसको मैंने इतना एक दफ़ा फिर ऐसे कोड़ा घूट भरा और इसको ऐसे दबा दिया, घोट भरा फिर इसको दबा दिया। दर्द तो हुई पर कोका डाल गया। इतना मुश्किल है कोका पाना, कान का इतना मुश्किल नहीं मुझे लगता होगा क्योंकि कान भी मैंने कराने हैं। अभी मैं कुछ दिनों तक कराऊंगी या अगले महीने शायद कराऊँ क्योंकि अम्मी कह रही है कि पहले इसको सही हो जाने दो फिर तुम जो है ना अपने कान करा लेना। और आप मैं पास इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि इसमें जो है ना वो मतलब कि अभी चूल्हा में बंद करूँ क्योंकि गाढ़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर अभी ये गाढ़ा हो रहा है पर मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि बैंगन जो है बिल्कुल घुल चुके हैं और मुझे लग रहा है कि वो पानी नहीं वो बैंगन है। तो मैं क्या क्या बता रही हूँ, हाँ तो वो है। और नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। नाश्ता मैंने क्या किया है, एक बाकर पानी खाई है, खुश चाय चूई आपको पता है मुझे इतनी पसंद नहीं है, खुश्क बाकर पानी खाई है। उसके बाद फिर मैंने वाटरमेलन खाया थोड़ा सा और बस ये मेरा नाश्ता था। और बस मेरा सालन तैयार होने वाला है और मेरे पसीने आ रही जल्दी में, ठंडे पसीने नहीं आ रहे। और ये धनिया मुझे मिल ही गया आज तो मैं सोच रही हूँ डाल देती हूँ, कल तक इसने ख़राब हो जाना है तो इसकी वजह से इसको आज ही इसका क्रियाकरण कर देते हैं, मतलब इसको डाल देते हैं और पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। और कल हमारे घर किसी की दावत है तो पता नहीं अब वो हम कल रखते हैं मतलब कि आगे करते हैं या कल ही करेंगे क्योंकि अगर अम्मी लगता तो है अभी आ जाएंगी, अगर कल अम्मी को जाना ना पड़ गया तो हमारा UPS भी बंद हो गया और लाइट भी चली गई। व्हाट हैपेंड टू लाइट, कुछ तो हुआ है बिजली को तो उसको जाके खुद ही देखना पड़ेगा क्योंकि ना मान है ना भाई है, खुद जाके मैकेनिक ही करके आते हैं कि उसको हुआ क्या है, होया कि वो। लाइट वापस आ चुकी है और ये शॉल कर आए थे लाइट जाकर, मुझे शर्मा नहीं पता उठा पर क्यों दबाऊँ गर्मी है और पैर पसीने घर हो गई हुई है, इची हुई है और सामने जो है मैं जाने वाले और मुर्गियों को सारा कुछ डला हुआ तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं सो कर उठ के तैयार हो गई हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियोस बना के रख लेते हैं बिकॉज़ मेरा स्टॉक्स जो है वीडियो का ख़त्म हुआ था टिकटॉक की तो उसकी वजह से। और कोका मेरी वही हालत है, उसमें से भी पानी पानी से निकला, उसको मैंने साफ़ किया, ऑयल लगाया, बिहाइंड द सीन टिकटॉक की है। और साथ साथ मैं बना रही हूँ प्लेन हुए चावल, वो भी देखाते हैं क्योंकि वो भी ज़्यादा ना हो जाए, पानी ये ना उबल जाए तो मैं टिकटॉक की लगी रहूँ, पानी उबल उबल के खुश की हो जाए तो इसलिए इस वास्ते देख लेते हैं।
बारिश भी शुरू हो गई है और पहले बारिश हो चुकी है और मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं वापस। बारिश वापस से शुरू हो चुकी है, एक दफ़ा हो चुकी है और शुक्र है फिर से शुरू होगी बारिश तेज़ तेज़ बहुत तेज़। और आज हमने ऊपर पानी नहीं भरा तो आज हमारी बिजली के लिए आ गई, ऐसे टंकी भरी होती है और आज पानी नहीं भरा तो आज बिजली भी नहीं आ रही। लाइट तो आई नहीं, क्या हो गया, दस हो गया लाइट नहीं आई अभी तक। और लाइट गई हुई है हम लोगों की 5 बजे की, 5 घंटे हो गए लाइट गई हुई को और ऊपर पानी ख़त्म हो चुका है और पीछे बर्तनों का कुन लग चुका है क्योंकि पानी नहीं है तो बर्तन नहीं धुले। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ देसी टिंडे क्योंकि मैंने जो बैंगन आलू बनाए थे वो ख़त्म हो चुके हैं और उसको मैंने सारा लेकर जाना है इसकी वजह से। और आज अम्मी नहीं आएँगी होटल से वापस, तो अब मैं इनको जल्दी जल्दी से जो है वो भर लेती हूँ मसाला इनके अंदर। पहला ही फेल हो गया, अम्मी इतना अच्छा भरती है, ये मैंने कभी बनाए नहीं है, एक दफ़ा बनाए थे वो भी जल गए थे तो आज सेकंड टाइम बनाने की कोशिश करने लगी हूँ। अच्छे बन गए तो ठीक है, नहीं तो फिर भी ठीक ही है क्योंकि खाने तो हैं। तो मैंने एक भर लिया बिना तोड़े हुए उसको, दूसरा भी भर लिया थोड़े अंदर। मैं इनको जल्दी जल्दी भर लेती हूँ फिर इनको करेंगे फ्राई। वो दिया कढ़ाई हो गई है, ये देखिए हो गई है, सुबह से किधर पड़ी है, चल तो ली नहीं गई। इनको मैंने जो है वो अभी निकाल लिया क्योंकि गैस अभी कम आ रही है, तो उसको मैं अपनी साइड पर रखती थी कि पहले दिया आपने काम कर ले फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी। उतनी देर तक मैं प्याज काट के रख लेती हूँ जो इसके अंदर डलने हैं, बाकी चीज़ें वगैरह साइड पे रखती हूँ और प्याज लेकर आती हूँ। इधर मैं हूँ अभी, देखिए मैं चिप्स के ऊपर नमक थोपी जा रही हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। एक मिनट मेरी आंखों में मुझे तो अंदर भाग जो कर फिर चाट मसाला रखती हूँ। ओके
सामने नहीं बोला डालने के लिए ताकि ये जो मसाला है मेरा वो अच्छी तरह बन जाए, क्योंकि मुझे तो मसाला ही इसका पसंद है। टिंडे तो मैं खाने को ही ना तो बस ये जल्दी जल्दी बन जाए तो फिर खासा मसाला नॉट टिंडे। और लाइट अभी तक नहीं है, अभी 11 हो गए हैं, तो दुआ करें कि लाइट आ जाए ताकि हम पानी ऊपर भर सकें और मैं किचन साफ़ कर पाई सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है अगर किचन साफ़ ना हो तो, इसकी वजह से। बाय।